तो गाइस आज हम सोनीपत मॉडल टाउन और आज हम आए हैं शंकर फेमस होटल। तो भाई काफी नाम सुना अंकल का, तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी कैसे गई और यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या बनाते हैं। तो अंकल एक बार अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा ओम शंकर। ओम शंकर, तो आपने इस शॉप का नाम आपके नाम से रखा है? शंकर होटल के नाम। अच्छा, आपके ही नाम से है। हाँ। तो अंकल कितने साल पुरानी ये शॉप है? 25 साल हो चुके हैं आपको। फोटो के मिलते हैं सिर्फ यहाँ पे? सिर्फ फोटो के मिलते हैं। टमाटो सूप तो सर्दियों में मिलता होगा या गर्मियों में? सर्दी मिलता है। तो अंकल जब आपने शुरुआत की तो आइडिया कहाँ से आया कि होटडो की शॉप खोलनी है? मैं जॉब करता था। अच्छा, कहाँ पे जॉब करते थे? साइकिल में। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर हमने सोचा कोई साइड काम करूँ, साइड बिजनेस। छुट्टी के बाद, ड्यूटी के बाद अपना जो करता था बस। अच्छा, पहले ड्यूटी के बाद करते थे इसको पार्ट टाइम, फिर उसके बाद आपने फुल टाइम कर लिया? फुल टाइम कर लिया। तो अंकल भीड़ कितनी रहती है यहाँ पे? ठीक ठाक है, मतलब अपना सही है, चल रहा है। सही चल रहा है। तो अंकल जब आपने ये शुरुआत किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि होटडो को कह रहे हैं ये करना है मेरे को? जब आपने बताया उनको तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका क्या था, उनको काम करके घर ले जाने, कमा के देने और क्या करना। अच्छा, साथ में सपोर्ट था? सपोर्ट था। तो अंकल आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाले हो? हॉट डॉग बढ़िया फर्स्ट क्लास के मक्खन पनीर में। अच्छा, मक्खन पनीर में। अंकल एक ही तरह के हॉट डॉग मिलते हैं? अलग अलग मिलते हैं? अलग अलग है। कौन कौन से अंकल? एक नॉर्मल बटर होता है, एक अमूल बटर होता है। अच्छा, एक अमूल बटर पनीर होता है, नॉर्मल बटर पनीर होता है। तो अंकल आज आप हमारे लिए क्या लगाने वाले हो? अब आप जो बोलो, अमूल बटर पनीर खिला देते हैं आपको। हाँ, अमूल बटर पनीर खिला दीजिए अंकल। तो कैसे बनता है अंकल ये? कि अमूल का बटर होता है, आलू छोले राजमा की पेस्ट होता है, उसके अंदर अमूल का बटर डाला जाएगा, पनीर डाला जाएगा। तो अंकल ये पेस्ट किस चीज से तैयार होता है? आलू छोले राजमा। आलू छोले राजमा से? हाँ। तो इसके अंदर और कुछ भी डलता है? मसाले? कौन कौन से मसाले डलते हैं? सब्जियों में मसाला पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सुबह ही बना के लाते हो अंकल? दो ढाई बजे तक बनाता हूँ, 4 बजे रेडी लगाता हूँ। अच्छा, 4 बजे रेडी लगाते हो। तो टाइमिंग 4 से कितने बजे तक अंकल? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 10 बजे तक। 4 से 10 बजे तक लगाते हो आप? तो अंकल जब आपने शुरुआत की तो खुद ही बनाते थे घर पे भी ये मसाला वसाला? हाँ, खुद, हाँ, हाँ, खुद 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 या आंटी जी बनाती? नहीं, दोनों मिलके। अच्छा, दोनों मिलके बनाते थे? हाँ, दोनों मिलके ही बनाते थे। कुछ सादा होता है, कुछ पनीर वाले होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अब हमारे लगने जा रहे हैं पनीर वाले? अमूल बटर पनीर। अमूल बटर पनीर। हाँ। तो अंकल ने हल्का सा क्रश करके पनीर डाला है मसाले के अंदर और बटर डाला है। तो भाई खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है, टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। टेस्ट करके देखिए और बताते हैं आपको, फिर बताओ। अभी तक तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बताया लोगों ने और है भी। तो अंकल ये चटनी कौन सी लगाई हुई है आपने बन पे? ये धनिया पुदीना की चटनी एक तरफ होता है। अच्छा, एक तरफ टमाटर की होती है। टमाटर की चटनी होती है। तो ये भी खुद ही बनाते हो आप? घर पे तैयार करते हो? घर पे। तो इसके बाद क्या होगा अंकल? इसके बाद इसकी सिकाई होगी। अच्छा, तो अब आ चुकी है हमारी उसके ऊपर कैबेज और साथ में प्याज। प्याज फिर बटर डालेंगे। अच्छा, फिर करारापन करेंगे, ये बात है। तो अंकल आपके साथ में भैया आपके नॉन में है? फैमिली से? फैमिली से। अच्छा, क्या लगते हैं आपके? हमारे रिलेटिव में है। अच्छा, रिलेटिव में है। ऐसे करके 26 साल हो। तो भाई अब इसको बटर में सेका जा रहा है? हाँ। तो बटर में ही क्यों अंकल? क्रिस्पी करने के लिए? क्रिस्पी करने के लिए, सिकाई होने के लिए, मतलब तभी तो अच्छा लगे। तो अंकल एक हॉट डॉग लगभग कितनी देर में तैयार हो जाता है? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में एक हॉट डॉग तैयार हो जाता है पनीर वाला, जो आप बता रहे हो बटर पनीर वाला? बिल्कुल। आप लीजिए। तो भाई हमारा बटर पनीर हॉट डॉग लग चुका है, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, फीलिंग काफ़ी अच्छे से की है अंकल ने, बर्बर के फीलिंग की हुई है। तो इसके अंदर से देख सकते हैं आप, बिल्कुल भरा हुआ अच्छे से। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी यूनिक सा टेस्ट है, जैसे नॉर्मल होता है उनसे काफ़ी अलग है। हम नॉर्मल जो हॉट डॉग खाते हैं, हल्का सा स्वीट है,
टेंगी है फ्लेवर में, हल्का सा खट्टापन है, और जो बटर से बना है तो भाई इतना भी ज़्यादा बटर नहीं इस्तेमाल करते अंकल, क्वांटिटी वाइज काफ़ी अच्छा है नो डाउट, बटर में भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं, परफेक्ट है, और जो बन की क्रिस्पीनेस है वो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए एक और बाइट लेके देखते हैं। अलग ही टेस्ट है भाई, बाकियों से अलग है। मैंने बहुत जगह पे खाए हैं, मैंने दिल्ली भी खाए हैं, मुंबई भी, इवन सोनीपत में मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई किए ऑटो, अलग ही टेस्ट है। बाकी में नॉर्मली वैसे आलू का टेस्ट आता है, आलू का हुआ या पेठे का हुआ, बट इसका टेस्ट काफ़ी अलग है, हल्का सा स्वीट है। तो भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भी इंद्रप्रीत सिंह है। अच्छा, तो कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हो? मैं भी तक 15-16 साल से आ रहा हूँ। 15-16 सालों से आप यहाँ पे आ रहे हो? बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से ही आ रहे हो, तो टेस्ट कैसा लगता है भैया आपको? टेस्ट तो भैया जैसे 15 साल पहले था, आज भी वैसे ही है। आज भी वैसे ही है, सेम टेस्ट, प्लस ही है, माइनस नहीं हो। शंकर होटल, कच्चे क्वार्टर, बटर फैक्ट्री।